हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का हर एक क्वेश्चन, और जो भी 10 क्वेश्चंस दिए गए उसमें हर एक को हम लोग एक एक करके निपटाएंगे और फटाफट करेंगे, ठीक है। वो वन शॉट रिविजन वाला जो वीडियो था उतना भी फटाफट नहीं करेंगे, बट फिर भी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले लगभग 6 क्वेश्चन है, तो 6 और सिमिलर है, तो जिसमें मैं देखूंगा कि सिमिलर क्वेश्चन है उधर थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सपोजर सेट कर लूँ 10 सेकंड। चलिए, तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक में पहले क्वेश्चन में बोला है कि आइडेंटिफाई करो कि जो आप लोगों को दिया गया है क्या वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या फिर नहीं है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी उसको जाके देखिए, आपको प्लेलिस्ट ओपन करना है मैथ 2 का, और वहां से आप लोगों को हर एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिए और फिर उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इधर आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्योंकि जब बेसिक नहीं मालूम रहता है कि आखिर ये सब आ कहां से रहा है, वो नहीं मालूम रहता है, तो हम लोगों को कुछ नहीं समझता है। जैसे वहां पे ये था तो ये फॉर्मूला क्यों लगा दिए, अब क्यों का जवाब आपको बेसिक में मिलेगा तो रट्टा मारने बैठ जाओगे। इसलिए बेसिक वाला जरूर देखो, इसको देखो ना देखो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले में हम लोगों को बोला है 3, 5, 4, ठीक है। पहले में बोला है कि क्या 3, 5, 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या फिर नहीं है, और रीजन के साथ बोला है। रीजन मतलब जो डॉट 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 करके प्रॉपर्टी डालते हो उधरी से आपका रीजन हो जाता है। तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचा करो कि जस्टिफाई बोला है, गिव रीजन बोला है, तो कितना डिटेल में जाना है, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट करने का मैंने तरीका बताया था, जो भी 3 आपको दिया रहेगा उसमें से एक को ए अज्यूम करो, एक को बी अज्यूम करो, एक को सी अज्यूम करो, ठीक है। ए बी सी अज्यूम करो, सबसे बड़ी वाली साइड जो रहेगी उसका स्क्वायर करो और बाकी दोनों साइड का जो बचा हुआ है उनका स्क्वायर करके प्लस कर दो, ठीक है। इवेंचुअली ये जो ट्रिपलेट्स हैं ये किसी ना किसी ट्रायंगल पे होंगे। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल पे हैं, ये जो हम लोगों को तीनों दिया गया है, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल पे है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, किसी और ट्रायंगल पे है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी साइड ट्रायंगल में कौन सी होती है, हाइपोटेनस, तो बड़ा सबसे कौन है, 5, तो 5 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा। अगर ये मैच करता है पाइथागोरस थ्योरम से तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और ट्रायंगल राइट एंगल है। मैच नहीं करता है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके का होगा, या फिर इस तरीके का हो सकता है, या फिर इस तरीके का हो सकता है, बट वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी साइड को मैंने बोला अज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो एबीसी हम लोग अज्यूम करते हैं, ए हो गया आपका 3, बी हो गया आपका 5 और सी हो गया आपका 4। सबसे बड़ी साइड 5 है तो हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 25, इसको दे दो नंबर 1, ठीक है। अब बाकी जो दो साइड बची हुई है उनका स्क्वायर करके प्लस करो, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आपको ये मिल गया 25, इसको दे दो नंबर 2, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 1 में भी 25 आया, 2 में भी 25 आया, इसका मतलब RHS RHS इक्वल है तो LHS LHS भी इक्वल होगा। देयरफोर जो आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा वो बी स्क्वायर के इक्वल होगा, डॉट 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 करके यहाँ पे लिख दो, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। और अगर ये इक्वल आते हैं तो इसका मतलब जो ट्रायंगल है हमारा, इसको नाम दे दो एबीसी, तो ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मतलब जो ट्रायंगल दिया है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देयरफोर ट्रायंगल एबीसी जो है हमारा, ऐसा कोई फिगर आपको बनाना नहीं है, ठीक है। आपने एबीसी अज्यूम किया था तो एबीसी लिखेंगे, पीक्यूआर अज्यूम किए होते पीक्यूआर लिखते, एलिमेंट अज्यूम किए होते तो एलिमेंट लिखते, फिगर बनाना नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों हुआ, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने देखी है, ये प्रॉपर्टी है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पीटी मैंने लिखा है, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लिखे। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो इसके साइड्स क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। देयरफोर 3, 5, 4 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है स्टेप बाय स्टेप, हो सकता है अगले जो सम सिखाओ उतने इतना डीप में ना जाऊं, इसलिए इसको प्रॉपरली समझ लो। अब अगला वाला करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वाले में आपको बोला है 4, 9, 12, ठीक है। तो ए को अज्यूम कर लो 4, बी को अज्यूम कर लो 9, सी को अज्यूम कर लो 12। मैंने बोला सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करो, तो सबसे बड़ा है सी, तो सी का स्क्वायर आपको मिल गया 144, दे दो नंबर 1। बचा कौन, ए स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर बचा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 81, ठीक है, मतलब 9 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, आपको आंसर मिल गया 97, इसको दे दो नंबर 2।
तो यहाँ पे देखो तो 144 है और आपका जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो तो 97 है, तो इसका मतलब मैच नहीं कर रहा है। देयरफॉर जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो सी स्क्वायर से मैच नहीं खा रहा है। कहाँ से पता चला आपको? 1 और 2 से। और अगर ये मैच नहीं खा रहा है इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई भी नहीं करेगा, और पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई करेगा तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी जो होगा आपका इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, वो आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिखनी है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता चला। और यही आपका रीजन है जो आपको बोले ना आइडेंटिफाई विथ रीजन, तो यही आपका रीजन है। देयरफॉर जो आपका 4912 है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं, इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरीके से करना है, बहुत ही इजी है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन आपको बोला है 5 12 13, ठीक है, थर्ड में आपको 5 12 13 है, तो इसमें आपको ए अज्यूम करना है, बी अज्यूम करना है, सी अज्यूम करना है, ठीक है। तो आपका ए इसमें अज्यूम कर लो 5, बी अज्यूम कर लो 12, सी अज्यूम कर लो 13। सबसे बड़ी साइड सी है तो इसका स्क्वायर करो, तो सी इज इक्वल टू 13, तो सी स्क्वायर आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर आपका आ गया 169। इसको दे दो नंबर 1। बचा कौन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें आपका ए कितना है? 5 है, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144, आपको आंसर मिल जाएगा 169, ठीक है। और ये आपको किसका आंसर मिला? ये मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, यहाँ भी 169, यहाँ भी 169। इसका मतलब क्या है कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो सी स्क्वायर से मैच खाता है। और यहाँ पे प्रॉपर रीजन लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से ये हमें पता चला है, ठीक है। उसके बाद अगर ये मैच खाता है तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी जो होगा आपका वो हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और फिर प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी में लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, और फिर लास्ट में क्या लिखना है आप लोग जानते हो, 5 12 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वैसे तो सारे क्वेश्चन सिमिलर है बट सबको मैं करा देता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक के कारण आपका आंसर रॉन्ग आता है, ठीक है, तो सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए आप लोग वीडियो देख सकते हो। चलो अब करते क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को बोला है दैट इज 24 70 74, ठीक है, 24 70 और 74। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? तीनों को अज्यूम करेंगे, तो लेट ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू। तो ए को आप लोग अज्यूम कर लो 24, बी को अज्यूम कर लो 70, सी को अज्यूम कर लो 74। उसके बाद मैंने क्या बोला कि सबसे बड़ी साइड का आपको स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब सी का स्क्वायर आप लोग करोगे, तो सी का स्क्वायर मतलब 74 का स्क्वायर, ठीक है। तो 74 का स्क्वायर क्या होता है? 74 × 74 = 16 × 4 = 28 7 × 4 = 28 7 × 7 = 49। आपको आंसर मिलेगा 6745, तो मतलब इसका आंसर आया 5746। तो आपको सी स्क्वायर मिल गया 5476। अब दोनों का प्लस करने पे यही आना चाहिए, नहीं आया तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर मतलब 576 और 70 का स्क्वायर मतलब 4900। तो टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 5476, इसको दे दो नंबर 2। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर से मैच हो रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर से आपका मैच हो रहा है, कैसे पता चला? फ्रॉम 1 एंड 2। तो इस तरीके से जो आपका ट्रायंगल एबीसी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, कैसे पता चला? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, डॉट 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 करके यहाँ पे प्रॉपर्टी डाल दो, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका 24 70 74 है वो हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें भी आपको अज्यूम करना है लेट ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू। तो ए में आपको लिखना है 10, बी में आपको लिखना है 24, सी में आपको लिखना है 27, ठीक है। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर कर दो, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर मतलब 729, इसको दे दो नंबर 1, ठीक है। और फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, आपको आंसर मिला 676।
अब देखो तो दोनों नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर से मैच नहीं कर रहा है, कैसे पता चला? फ्रॉम वन एंड टू। और मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्राइंगल एबीसी था आपका वो एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। और ये कहां से पता चला? ये तो हमारा थियरम है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम। और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो 10, 24, 27 है आपका वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे 27 की जगह 26 होता तो आपका ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाता, क्योंकि 676 26 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिफ्थ वाला करना है, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं छठा क्वेश्चन। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 11, 60, 61 दिया है, ठीक है। तो फिर से आप लोग अज्यूम कर लो, लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ए की जगह 11, बी की जगह 60, सी की जगह 61, तो आपका सी का स्क्वायर करो तो 61 का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा 3721, इसको दे दो नंबर वन। और फिर उसके बाद आप लोग करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो ये आ गया 121, ये हो गया 3600, ठीक है। तो आपका आंसर मिल गया 3721, इसको दे दो नंबर टू। अब देखो तो दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो सी स्क्वायर के इक्वल है। कहां से पता चला? फ्रॉम वन एंड टू। और अगर ये इक्वल है तो जो आपका ट्राइंगल एबीसी होगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और ये कहां से आप लोगों को पता चला? ये हमें पता चला है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो, देयरफॉर जो आपका 11, 60, 61 है वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरीके से करना है, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो गाइस क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है कि जो ट्राइंगल एमएनपी है हमारा, ठीक है, इन ट्राइंगल एमएनपी में क्या है कि जो एंगल एन है वो 90 डिग्री है और साथ ही में जो एनक्यू है वो एक परपेंडिकुलर बना रहा है एमपी पे। तो हम लोग जानते कि कभी भी किसी हाइपोटेनस पे कोई अगर परपेंडिकुलर बनाता है तो वो होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका मतलब हमारा जो सेगमेंट एनक्यू है वो क्या है? एक ज्योमेट्रिक मीन है। देयरफॉर सेगमेंट एनक्यू जो है हमारा वो एक ज्योमेट्रिक मीन है, इज अ ज्योमेट्रिक मीन। और प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या कहती है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यूपी, ठीक है। देयरफॉर जो आपका एन क्यू स्क्वायर होगा वो एम क्यू इंटू क्यूपी के इक्वल होगा। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एन क्यू, और एम क्यू और क्यूपी हमें 9 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थियरम लिखोगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थियरम बोलो, प्रॉपर्टी बोलो। तो एम क्यू 9 है, क्यूपी 4 है, तो 9 4 36, तो एन क्यू स्क्वायर था तो इसलिए यहाँ पे रूट ले लिए, तो एन क्यू की वैल्यू आ गई 6 units, ठीक है। सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर आइदर यूनिट्स, इसको कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। बेसिक वाला वीडियो देखा है तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब करते क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इवेंचुअली एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको थोड़ा सा टेढ़ा करके दे दिया तो आप लोगों को लग रहा है नहीं है, बट ये जो साइन दिखाती है ना ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। इवेंचुअली ये कुछ इस तरीके का रहा होगा और फिर उसपे से इस तरीके से किया गया, फिर इसको पलट दिया गया तो वो इस तरीके का बन गया। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है क्यू आर। तो क्यू आर के लिए हमें हमारे पास एम आर रहना चाहिए, तो क्यू एम प्लस एम आर कर देंगे तो क्यू आर आ जाएगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि क्यू एम आर कोलिनियर है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा हमारा पीएम। तो कैसे लिखेंगे? इन ट्राइंगल पी क्यू आर जो आपका एंगल पी है वो है 90 डिग्री, ठीक है, और जो पी क्यू है देयरफॉर सेगमेंट पी, एक मिनट, पी क्यू पीएम जो है आपका वो क्यू आर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। देयरफॉर जो सेगमेंट पीएम होगा आपका वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हो गया। देयरफॉर जो आपका ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, तो क्यू एम इंटू एम आर। यहाँ पे आप लोग प्रॉपर्टी लिख दोगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ये हो गया आपका। तो क्यू एम आपको कितना दिया है? 8। एम आर दिया है क्या? नहीं, बट पी एम मालूम है 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू 8 इंटू एम आर। तो आपको एम आर की वैल्यू मिल जाएगी, 100/8 कर दोगे, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ गया तो अपॉन में हो गया, ठीक है। देयरफॉर एमआर की आपको वैल्यू आ जाएगी 12.5, ठीक है, रीचेक कर लो, आई थिंक 12.5 नहीं होगा, 8 8 1 जाए 20, 2 जाए 16, हाँ 12.5 होगा।
तो QR आपका क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा QM+MR .. कोलिनियर दिखा दो QMR, तो QM आपको मालूम है 8, QR आपने निकाला 12.5, तो टोटल आंसर आ जाएगा 20.5। इतना इजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बहुत इजी है सब, ठीक है। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक ट्राइंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें बोला है कि SR जो है वो 6 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 30 है, तो तुम फाइंड करो PR कितना होगा, PS कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग ध्यान से देखें तो ये 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल है। सर यहाँ पे तो 60 दिया ही नहीं है, अरे वो बता सकते हो, देखो कैसे। सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल PSR, ट्राइंगल जो है आपका PSR, उसमें एंगल S जो है आपका वो 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल P जो है आपका वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल R क्या हो जाएगा आपका, एंगल R डेफिनेटली 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चला, कुछ चीजें हमें गिवन थी, कुछ चीजें हम उन्होंने फाइंड किया, ये हमें गिवन था और साथ ही में ये हमने फाइंड किया रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये मतलब उस तरीके से आया है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, फिर डिराइव करेंगे फिर आंसर आएगा। बट कभी आप लोगों को ऐसा पूछे तो आप लोग डायरेक्टली भी यहाँ लिख सकते हो और लिख देना रिमेनिंग एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एंगल आर सीधा 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो आपका ट्राइंगल PSR है, आपका जो ट्राइंगल PSR है वो क्या है, वो 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल है, ठीक है, 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, लेफ्टी उतना अच्छा लिखता नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर ये हम लोगों का 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल है तो आपको प्रॉपर्टी याद आई होगी कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो होता है आपका वो क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू हाइपोटेनस, ठीक है। और 30 डिग्री के सामने कौन है, SR, तो SR इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनस, कौन है 90 के सामने वाला, मतलब PR, SR आपको मालूम है 6, तो 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू PR, ठीक है। तो 6 इंटू 2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा PR, देयरफॉर आपकी PR की वैल्यू आ जाएगी 12 यूनिट्स, ठीक है। PR आपको कितना मिल गया, 12। अब PR मिल गया तो PS निकाल लो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री से, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2 इंटू हाइपोटेनस, ठीक है। तो 60 डिग्री के सामने कौन है, PS, रूट 3/2 हाइपोटेनस कौन है, PR, हाइपोटेनस कितना है 12, कैसे फाइंड किया, अभी फाइंड किया, 2 6 12, तो आपका आंसर मिल जाएगा 6√3, PS इज इक्वल टू 6√3 यूनिट्स। इस तरीके से ये हमारा आ गया 6√3। कैसे किया, सबसे पहले ट्राइंगल को 30 60 90 बताया, 30 60 90 बताने के बाद हम लोगों ने इसमें साइड अपोजिट टू 30 डिग्री लगाया जिससे हमें मिल गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मिल गया तो साइड अपोजिट टू 60 से ये भी निकाल लिया। कितना इजी है, देखो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है तो इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, बट इसको उसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं कराया है, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ, साथ ही मैं एक्टिविटी भी आपके लिए फिल करते रहता हूँ। देखो सबसे पहले जो आपका ट्राइंगल ABC है उसमें एंगल B जो है आपका वो 90 डिग्री है, ठीक है, और दोनों साइड इक्वल है, मतलब जो साइड AB है वो इक्वल है साइड BC के, ठीक है। ये आपको दिया गया है पहली एक्टिविटी में और यहाँ पे बॉक्स खाली छोड़ा है तो उसमें लिखो गिवन, क्या लिखोगे, गिवन, ठीक है, दिया हुआ है ऑलरेडी। तो देयरफॉर जो एंगल BAC होगा वो हो जाएगा एंगल ACB के इक्वल इज इक्वल टू X, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा, कौन से थ्योरम से, आइसोसेलस ट्राइंगल थ्योरम से, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल हुआ तो सबको हम लोग ऐड करेंगे सारे एंगल को, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा बट इवेंचुअली है इजी, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब ऐसे ही करने के लिए आया एग्जाम में, एक्टिविटी के फॉर्म में नहीं आया तो आप लोगों को ऐसे करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हर एक एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 180 डिग्री होता है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री लिख दिया हम लोगों ने, एंगल ए और एंगल बी को, एंगल ए को हम लोग ने एक्स अज्यूम किया है, एंगल बी 90 है और सी को एक्स अज्यूम किया है, तो 2x इज इक्वल टू 180, 90 वहां चला जाएगा तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ए, तो हम लोगों का एंगल BAC जो होगा वो 45 डिग्री का इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बॉक्स खाली छोड़ा है तो वहां पे ये फिल कर दो, देखो इतने स्टेप वहां पे गायब है, डायरेक्टली आपको ये लिख दिया है, आप ऐसे मत करके आना वरना मार्क्स कट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर जो आपका ट्राइंगल ABC होगा वो हो जाएगा 45 45, 90 डिग्री ट्राइंगल, और बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा तो अब तक समझ गए होगे कि जो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री होता है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री जो होता है
वो होता है 1/√2 × hypotenuse, ठीक है, 1/√2 × hypotenuse। तो साइड अपोजिट टू 45 यहाँ ए बी भी है और बी सी भी है, क्योंकि ये भी 45 है ये भी 45 है और दोनों इक्वल भी तो है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है √8, ठीक है। तो √8 ऊपर √2 नीचे, डिवाइड कर दो एक ही रूट में लेके 8/2, आंसर आ गया 4। तो √4 का आंसर हो जाएगा 2। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 2। वैसे तो स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉपर है, अगर आपको एक्टिविटी के फॉर्म में आया तो वो ठीक है, एक्टिविटी के फॉर्म में नहीं आया तो इसी तरीके से करके आना। चलो अब करते क्वेश्चन नंबर 6। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोले कि साइड और पेरिमीटर फाइंड करो स्क्वायर का जिसका डायगोनल है 10 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 × साइड, और कैसे आया था वो भी बताया था, ठीक है। बार बार इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार जरूर उस वीडियो को रिफर करो, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया तो आप लोग गुस्सा हो रहे होगे कि देख तो लिया कितनी बार बोलोगे, तो अब मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है √2 × साइड। तो डायगोनल यहाँ पे कितना है, 10 है, तो 10 इज इक्वल टू √2 × साइड। तो साइड आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो 10/√2 = साइड, बट हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे √2/√2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब डिनोमिनेटर से रूट हटाएंगे तो √2 √2 आ जाएगा, तो 2 × 5 = 10, तो आपको साइड मिल जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। अब साइड मिल गया तो पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड। इवेंचुअली पेरीमीटर का मतलब होता है हर एक लेंथ का टोटल, मतलब ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग 1+1+1+1 समझ लो सबका लेंथ 1 है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 4 × 1, बात वही है, ठीक है। और ये 1 क्या है, हमारी साइड है, तो इस तरीके से फॉर्मूला है 4 × साइड, समझे। और रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 × लेंथ + 2 × ब्रेथ, क्योंकि इसमें दो लेंथ होता है एल एल और दो ब्रेथ होता है बी बी, ठीक है। तो L+L+B+B, या तो आप लोग इसको ऐसे लिखो या फिर लिख दो 2L+2B, या फिर और सिंप्लीफाई कर दो 2L+B, 2 को कॉमन लेके कैसे भी कर सकते हो। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर का हैंग आउट है, तो 4 × साइड मतलब 4 × 5√2, तो ये हो गया 20√2 सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर भी मिल गया, आपको साइड भी मिल गया, हो गया काम, ठीक है। इसमें यही तो फाइंड करना था, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को 3 मेजरमेंट फाइंड करना है, ईजी, एफडी और ईएफ। ईएफ मतलब ये, ईजी मतलब ये, एफडी मतलब ये, समझे। तो हम लोगों को ये 3 चीजें फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, सीधा मेथड है। अब यहाँ पे देखो तो ये राइट एंगल है, इसका मतलब ये भी राइट एंगल होगा, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसके सामने वाली साइड ये हो गई हाइपोटेनस, आपको ये मालूम है, आपको ये मालूम है, तो पाइथागोरस से आपको डीएफ मिल जाएगा, और साथ ही में आपको एफजी जो है वो मालूम है, और एफजी आपका ज्योमेट्रिक मीन है, तो आपको ईजी मिल जाएगा। ईजी मिल गया, ये 12 है, तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल एफजीडी में हम लोग जाते हैं, ठीक है, इसमें एंगल जी जो है हमारा वो 90 डिग्री है, देयरफॉर जो आपका डीएफ स्क्वायर होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा जीएफ स्क्वायर प्लस जीडी स्क्वायर के, ठीक है। और ये कैसे आया आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ लिख के, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे जीएफ आपको दिया है 12 स्क्वायर, जीडी आपको दिया है 8 स्क्वायर, तो 144 + 64 तो आपको आंसर आ जाएगा 208 आई थिंक, ठीक है, क्रॉस चेक कर लो एक बार, 820, हाँ ठीक है, तो 208 आया। तो अब 208 को रूट में ले लो, तो √208 हो जाएगा। अब इसका रूट निकालो, तो 208 का रूट क्या होता है, 13 से आई थिंक आएगा, ठीक है, 13 × 1 = 13, 13 × 6 = 4, 4 = तो इसका आपको आंसर मिलेगा 4√13, ठीक है, 4√13। कुछ नहीं दिया तो यूनिट्स लगा दो, यूनिट्स आपको डीएफ मिल गया। अब आप लोग ईजी निकाल लो, ईजी कैसे निकालोगे, ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है, और लिखोगे यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ई जी एफ, नहीं नहीं ई डी एफ, पूरा ट्राइंगल हम लोग लेंगे, क्योंकि ये बड़ा वाला ट्राइंगल टोटली हम लोग कंसीडर करेंगे, तभी तो एफ जी हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा, ठीक है। जो एफ जी है वो परपेंडिकुलर है ई डी के, ठीक है, देयरफॉर आपका जो जी एफ हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, कैसे कहती है, आपको अच्छे से मालूम है,
तो जी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ई जी इंटू जी डी, ठीक है, डॉट 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 करके यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ये हो गया आपका। तो ईजी आपका कितना है नहीं मालूम, जीडी आपका 8 है, जीएफ कितना आपका 12 है, तो 12 स्क्वायर मतलब 144, ईजी इंटू 8 है तो 8 यहां से नीचे आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8, 144 को 8 डिवाइड करेगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 18, देयरफॉर ईजी इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। अब आपको ईजी मिल गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ईजीएफ में, ईजीएफ में पाइथागोरस लगा दो और फिर मिल जाएगा ईएफ। सर लगा दो। अरे भाई मुझे ही करवाना पड़ेगा, देखो तो इन ट्रायंगल ई जी एफ आपका जो एंगल जी है वो 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला हाइपो हो गया तो ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 करके यहाँ पे लिख दो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ई जी स्क्वायर मतलब 18 स्क्वायर, जी एफ स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर, 18 स्क्वायर मतलब 324, 12 का स्क्वायर मतलब 144, टोटल आपको मिल जाएगा 468। अब 468 का रूट निकाल लो, आई थिंक ये भी कुछ 13 से आएगा बट फिर भी शुरू से करते हैं, 4 से देखता हूँ, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 13 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, तो इसमें आपका 3 बाहर आ जाएगा और 13 into 4 52 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे, पहले हम लोग सबको लिख लेते हैं, 4 into 3 into 3 into 13, 4 into 13 into 3 into 3 ये आपका रूट में आ गया, ठीक है ईएफ। अब इसके बाद 3 3 कॉमन है और 4 का रूट होता है 2, तो 2 3 जब बाहर आ जाएगा मतलब 6 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 13। कभी कभी आपको ऐसा लगे कि आप लोगों का रूट में हो सकता है आंसर गलत दिया है, हो सकता है आपने रूट में सही से नहीं निकाला है, तो 6 को अंदर ले जाके दो बार मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, मतलब 13 into 6 करो 78 आया, 78 into 6 करो 6 8 जा 48, 468 आंसर आ गया, ठीक है, मतलब आपने करेक्ट किया। इस तरीके से 7th वाला करना है, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है कि एक ट्रायंगल है जिसका आपको डायगोनल फाइंड करना है, उसका लेंथ 35 सेंटीमीटर है और साथ ही में जो उसका ब्रेथ है, ब्रेथ आपका है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, तो मैंने इसके लिए भी आपको छोटा सा फॉर्मूला बताया था कि समझ लो ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल का नाम समझ लो ABCD है, तो इसमें आपका AC जो होगा वो ब्रेथ होगा और CD आपका लेंथ होगा, इसको बाहर निकाल दो तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, और आप लोग जानते हो रेक्टेंगल का जो हर एक साइड होता है, हर एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें AD मिल जाएगा, AD क्या है हमारा डायगोनल है, AC क्या है हमारा ब्रेथ है, ब्रेथ कितना दिया है 12, CD क्या है हमारा लेंथ है, लेंथ कितना दिया है 35, तो आ गया पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो, D² इज इक्वल टू L² प्लस B², डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ये तब करना जब 1 मार्क का है, जो करा रहा हूँ वो तब करना जब 2 या 3 मार्क का आ जाए, ठीक है, ज्यादा तो चांस 1 मार्क का आएगा वरना MCQ में पूछेगा। तो यहाँ पे लिखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल ABDC इज अ रेक्टेंगल, क्लॉक वाइज चलो, ठीक है, रेक्टेंगल है ये आपका, देयरफॉर जो आपका एंगल सी होगा वो 90 डिग्री होगा, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, ये मैंने एंगल बनाया है, ऐसा शॉर्टकट में आप लोग मत लिखना, पूरा लिखना, तो ये 90 डिग्री हो गया, देयरफॉर जो आपका AD² होगा वो AC² प्लस CD² के इक्वल होगा, कैसे पता चला, पाइथागोरस थ्योरम, PGT पाइथागोरस थ्योरम, AC है आपका 12 और CD है आपका 35, ठीक है, 12² मतलब 144, 35 का स्क्वायर मतलब 1225, ये आ गया आपका 1369, इसका रूट ले लो तो आ जाएगा 37, तो आपको AD मिल गया 37 सेंटीमीटर, देयरफॉर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। इस तरीके से करना, इसको कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आया, इतना इजी कर करके पक गए थे, अगला वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, हार्ड नहीं है, इंटरेस्टिंग है, इसको कर लीजिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरीके का फिगर तो नहीं बना टेक्स्ट बुक में, बोर्ड पे प्रॉपर नहीं बना, बट फिर भी देख सकते हो, ठीक है, समझा जा सकता है। हमें इसमें प्रूव करना है कि जो PQ का स्क्वायर है वो 4PM² माइनस 3PR² के इक्वल है। तो जैसा ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी दिखे जिसमें स्क्वायर स्क्वायर हो, तो आप लोग वहां पे समझ जाना कि वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, वरना अपोलोनियस तो अभी आपका रिड्यूस कर दिया गया है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको प्रूव में अगर आएगा, तो समझ जाना कि पाइथागोरस लगेगा, और अगर कहीं पे बोल दिया कि एक पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है, तो वहां पे कन्फर्म हो जाना कि वही थ्योरम लगेगा। एम जो है यहाँ पे मिड पॉइंट है QR का, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट क्या कहता है,
दो साइड साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये मिड पॉइंट है तो MR जो होगा वो MQ के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, और फिर डॉट 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 करके लिख दो गिवन, क्योंकि हम लोगों को ये ऑलरेडी बोला हुआ है। तो जो आपका MR होगा, MR जो होगा आपका वो MQ के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, मतलब PRM में, और फिर उसके बाद हम लोग बड़े वाले में पाइथागोरस लगाएंगे, दैट इज PRQ। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ मिलेगा, तो कुछ ना कुछ इधर उधर करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले बड़े वाले में ही लगा लो। तो इन ट्रायंगल PQR जो एंगल Q है, सॉरी PRQ जो एंगल R है वो हमारा है 90 डिग्री। तो जो आपका PQ का स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के, डॉट 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 करके लिख दो, बाय PGT। ठीक है, तो PR स्क्वायर आपको नहीं मालूम है, ये आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसको नंबर वन देके यहीं पे छोड़ दो। अब हम लोग छोटे ट्रायंगल पे लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, इन ट्रायंगल PRM जो एंगल R है वो आपका 90 डिग्री है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो जो PM स्क्वायर होगा वो PR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, और डॉट 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 करके यहाँ पे लिख दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ध्यान से देखो, आपका जो MR है वो MQ के इक्वल है, तो पॉइंट M जो है वो QR का मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो RM की वैल्यू होगी वो हाफ ऑफ QR के इक्वल होगी। ठीक है, देयरफोर जो MR की वैल्यू होगी वो हाफ ऑफ QR के इक्वल होगी। आप लोग जानते हो कि अगर पूरा ये 6 है तो हाफ कर देंगे तो ये 3, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो इसको दे दो नंबर 1 और इसको नंबर 2। तो फ्रॉम 1 MR की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, MR की जगह पे लिखोगे QR अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 और ये आपका PM स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो। तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर अपॉन 4। डिनोमिनेटर में 4 है तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 4 का यहाँ से सत्यानाश हो जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। तो आप लोगों को 4PM स्क्वायर इज इक्वल टू 4PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर मिलेगा। कैसे, यहाँ पे 4 से हुआ, यहाँ पे 4 से हुआ, यहाँ भी 4 से हुआ, बट 4-4 कट गया आपका। 4-4 कटने की वजह से क्या हुआ कि जो आपका QR स्क्वायर था वो सिंगल रह गया। इसको दे दो नंबर 3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हम लोगों को PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर हम लोगों ने जो निकाला था उसमें से QR स्क्वायर हमें दिख रहा है, मतलब QR स्क्वायर की अगर मैं कोई यहाँ पे वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, तो मैं वहां पे इसको पुट कर सकता हूँ। देखो कैसे, अगर मैं PR स्क्वायर को यहाँ लेकर आता हूँ तो वो इक्वल हो जाएगा QR स्क्वायर के। ठीक है, और आप लोग इसको दे दो नंबर 2। मैंने पहले जानबूझ के नहीं दिया ताकि आप लोग समझ सकोगे कैसे आया। तो अब हम लोग QR स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, 4PM स्क्वायर इज इक्वल टू 4PR स्क्वायर माइनस प्लस PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, कैसे आया पता चला, हम लोगों ने क्या किया, QR की जगह ये पुट कर दिया। ठीक है, QR की जगह ये पुट कर दिया, तो अब PR स्क्वायर में से PR स्क्वायर माइनस हो गया तो हमें मिल गया 3PR स्क्वायर, और यहाँ पे मिल गया PQ स्क्वायर, और यहाँ था 4PM स्क्वायर। अब 3PR स्क्वायर को अगर मैं ये साइड लेकर आता हूँ तो ये हो जाएगा 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। बस यही तो हमें प्रूव करना था कि जो PQ स्क्वायर है वो 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है, बहुत इजी, आप लोग भी कर लीजिए। इसमें बस किया क्या हम लोगों ने, छोटे ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया, बड़े ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया, मिड पॉइंट का यूज किया, उसको पुट किया, और फिर बड़े वाले ट्रायंगल को थोड़ा सा अरेंज करके उसकी वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। कहने को तो इजी है, करने जाओगे तो पता चलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, खाली वो आप लोगों को बड़ा बड़ा अक्षर दिख रहा होगा उसकी वजह से डर रहे होगे। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, रीड करिए। वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड, ठीक है, मतलब यहाँ पे दो बिल्डिंग है जिनकी वॉल्स आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये एक रास्ता है, इसके ये साइड एक वॉल है, समझ लो ऐसा है, और इसके एक साइड ये वॉल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ऐसा होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद बोला कि एक लैडर 5.8 मीटर लंबा प्लेस किया गया है सड़क पे। ठीक है, और सड़क पे जब उस लैडर को, उस सीढ़ी को रखा गया तो उसका जो टॉप था वो विंडो पे जा रहा है 4 मीटर तक के। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं सीढ़ी रखू
तो इस तरीके से वो सीढ़ी जा रही है 5.8 मीटर की, इस पे 4 मीटर वाली बिल्डिंग पे, और जब ये साइड में कर रहा हूँ तो वो 4.2 मीटर की जो लंबी बिल्डिंग है उस तक पहुंच रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 5.8 मीटर की लैडर यहाँ पे इतना ऊंचा कैसे पहुंच गया, यहाँ पे इतना नीचे कैसे, क्योंकि क्या है कि इन दोनों की मेजरमेंट सेम नहीं है। ये बिल्डिंग थोड़ा सा क्लोजर है तो इसकी वजह से सीढ़ी ऐसा आ गया, ये बिल्डिंग थोड़ा दूर है तो सीढ़ी ऐसा आ गया है, टेढ़ा गया है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें विड्थ ऑफ द स्ट्रीट फाइंड करना है, करेक्ट। मतलब इसको मैं नाम दे दूं ई, ए इसको नाम दे दूं बी, इसको नाम दे दूं सी, इसको नाम दे दूं डी, इसको नाम दे दूं ई। तो हमें फाइंड करना है बीडी, मतलब सड़क कितनी चौड़ी है वो फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो कि ये भी सीढ़ी है तो ये भी सीढ़ी है, तो मतलब इसका भी मेजरमेंट वही है 5.8 मीटर। आप ये दोनों पे पाइथागोरस लगा के ये निकाल लोगे, इधर पाइथागोरस लगा के ये निकाल लोगे, दोनों को ऐड करो, आ गया आंसर। तो ये आपका राइट एंगल होगा, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों को कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी, जैसे इन ट्रायंगल इन द एडजॉइनिंग फिगर इन द, ये थोड़ा सा आपका लिखने का काम होता है, इनको करना जरूरी होता है, ठीक है। आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री का 6.2 किया होगा तो आप लोगों को हो सकता है ये मालूम भी हो। इसमें जो सेगमेंट ए बी है वो रिप्रेजेंट करता है वॉल ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, ठीक है, पहली बिल्डिंग की वॉल को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेगमेंट ईडी है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है वॉल ऑफ सेकंड बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग का वॉल वो रिप्रेजेंट करता है। सेगमेंट बीडी क्या रिप्रेजेंट करता है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, जो कि आपको फाइंड भी करना है, ठीक है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। और साथ ही में जो सेगमेंट एसी है वो सेगमेंट सीई के इक्वल है, और वो रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब सीढ़ी कितनी लंबी है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, पहले पाइथागोरस लगाओगे ट्रायंगल एबीसी में, तो इन ट्रायंगल एबीसी जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर आपको पैरेलल वर्ड नहीं यूज किया होता तो आप लोग पाइथागोरस नहीं लगा सकते, क्योंकि पैरेलल नहीं है तो हो सकता है एक बिल्डिंग ऐसी गई हो, एक बिल्डिंग ऐसी गई हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी ना है। तो पैरेलल वर्ड का ध्यान रखना, हर जगह एक ही थ्योरम नहीं लगता है। यहाँ पे लिखो बाय पीटी, पीजीटी, पीटी जो मन करता है, वैसे आप लोगों को तो फुल फॉर्म में लिखना ऑप्शन नहीं है। तो ए बी हमारे पास 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर बीसी स्क्वायर हमें मालूम करना है, एसी स्क्वायर है 5.8 का स्क्वायर, 5.8 का स्क्वायर होता है 33.64। इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है, अभी इतना हम लोगों ने सॉल्व किया है कि 5.8 का स्क्वायर रखता हो गया, ठीक है। तो 16 यहाँ आके जब माइनस होगा तो हमें मिल जाएगा बीसी का स्क्वायर, तो 17.64 जो है वो इक्वल टू आ जाएगा बीसी का स्क्वायर, रूट लोगे तो 17.64 जो है वो बन जाएगा 4.2 मीटर, ठीक है। 17.64 का जो रूट होता है वो 4.2 होता है। अब भाई कैसे का जवाब आपको 8th में मिल जाता अगर आपने बेसिक अच्छे से सीखा होता। रूट कैसे फाइंड करते, 1764 है, ठीक है, पॉइंट लगा दो, इसको लिख दो, हम लोग दो दो की जोड़ी बनाते हैं 64 17। अब रूट कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर लेते हैं, जैसे 17 पे 4 का स्क्वायर मैच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उससे कम है, 17 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है वरना उसको लेते, अब कोई है नहीं तो उससे कम वाला लेंगे, तो 4 है, तो 4 4 4 तीन जगह पर लिखोगे, और फिर 4 का स्क्वायर यहाँ लिखोगे, यहाँ माइनस करोगे, यहाँ प्लस करोगे, तो यह आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 1.64, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पॉइंट आ गया तो यहाँ पॉइंट ले लो। अब कोई ऐसा नंबर चुनो 8 के बाजू में कि उस नंबर से अगर दोबारा उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, नहीं आता है तो कोई और ले लो। जैसे अगर मैं 8 के बाजू में 2 लूं तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 के बाजू में 1 लूं तो मुझे 1 से करना होगा, 8 के बाजू में 3 लूं तो 3 से करना होगा। तो अगर मैं 1 लेता हूं तो मुझे 81 मिलेगा, अगर मैं 2 लेता हूं तो मुझे 164 मिलेगा, वही तो चाहिए मुझे, मतलब 8 के बाजू में 2, यहां पे 2 तो यहां आ जाएगा 84, यहां आ जाएगा 1.64, 8.2 है यहां पे, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पे 00, ठीक है, 00 आ गया, मतलब आपका वो वहां पे सॉल्व हो गया 4.2, आपको इसका रूट इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। कैसे मिला, हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिया तो इस तरीके से 2 यहाँ पे भी लिख दिया, जैसे पहली बार 4 4 4 लिखे वैसे दूसरी बार 2 2 2 लिख दिए, तो 4.2 मीटर आपको मिल गया। इसमें मैं ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझा तो कमेंट करिए, मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो ऑलरेडी बहुत बोरिंग हो चुकी है। एंगल डी जो है आपका वो 90 डिग्री है, अब इसमें पाइथागोरस लगाते हैं तो आपका जो ईसी का स्क्वायर होगा वो इक्वल टू हो जाएगा ईडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ईडी स्क्वायर मतलब 4.2 का स्क्वायर, सीडी स्क्वायर आपको फाइंड करना है 5.8 का स्क्वायर, ये आपका आ गया 33.64, ये आपका आ गया 17.64,
ये आ गया सीडी स्क्वायर, तो 33.64 माइनस 17.64 इज इक्वल टू आ गया सीडी का स्क्वायर, इसको माइनस करोगे तो मिलेगा 16, तो 16 इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर रूट ले लोगे तो सीडी की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर। अब आपको ये 4 मिल गया, ये 4.2 मिल गया है, देयरफॉर द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज इक्वल टू है बीडी के, और बीडी क्या हो जाएगा बीसी प्लस सीडी के, तो 4.2 प्लस 4 आपको आंसर मिल जाएगा 8.2 मीटर। ठीक है, तो जो सड़क की लंबाई है चौड़ाई है वो आ जाएगी 8.2 मीटर। इस तरीके से करना है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, आप पता नहीं क्या आपको इसमें ज्यादा हार्ड लगता है। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 खत्म हुआ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, मैं चाहता तो दो पार्ट में डिवाइड कर देता, बट सोचा कि एक ही पार्ट में करे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग लेवल का नहीं है, जैसे आधा क्वेश्चन अलग लेवल का आधा क्वेश्चन हाई लेवल का, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो इसलिए मैंने एक ही लेक्चर में सारे करा दिए। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 का बेसिक क्वेश्चन सब कुछ एक ही में कर देंगे, ठीक है, फिर प्रॉब्लम सेट कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर भी हो जाएगा, थर्ड चैप्टर हो ही गया है, सिक्स्थ चैप्टर हो ही गया है, सेवन्थ चैप्टर हो ही गया है, तो हम लोगों का जल्दी अब मैथ खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एग्जाम रिलेटेड वीडियोस पर फोकस करेंगे। मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लाइव आऊंगा, मीटिंग रखूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से इंटरेक्ट कर सके और आप पे वो जो एग्जाम का प्रेशर है वो ना पढ़ने पाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।